पहले टेस्ट में जीत के बाद भी टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। आईसीसी ने रविंद्र जडेजा को दी सजा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने पारी और 132 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। चार मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट चटकाए और महत्वपूर्ण 70 रनों की पारी भी खेली, जिसके लिए जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन इस जीत के बाद भी रविंद्र जडेजा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान 46वें ओवर में जडेजा ने मोहम्मद सिराज के हाथों से दर्द से राहत देने वाली क्रीम लेकर अपनी उंगलियों में लगाया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और कुछ खिलाड़ियों ने उन पर कई सवाल भी खड़े किए थे। हालांकि जडेजा ने ऑन फील्ड अंपायर से इस बात की अनुमति नहीं ली थी, जिसके बाद आईसीसी ने जडेजा के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। आईसीसी आचार संहिता के अनुसार जडेजा को लेवल 1 का दोषी पाया गया है, जिसके लिए जडेजा पर मैच का 25% जुर्माना लगाया गया है। जडेजा को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.20 का उल्लंघन करते पाया गया है, जो खेल भावना के विपरीत आचरण प्रदर्शित करने से संबंधित है। आईसीसी के इस एक्शन पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।